नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर जो है मीडिया को रिकनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आफ्टर जब आपने प्रोजेक्ट पूरा सीक्वेंस क्रिएट कर दिया है वीडियो का, और उसमें बहुत सारे म्यूज़िक फाइल या तो इमेज फाइल, वीडियो फाइल आपने यूज़ की है, और किसी कारण सर आपको आपने वो पूरा प्रोजेक्ट जो है दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट किया है, या तो आपने अपना जो मीडिया है उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कहीं पे चेंज किया है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स है, तो सबसे पहले इसको जो है मैं कारण सर आपने ये मीडिया है उसकी फाइल्स के लोकेशंस को चेंज किया। जैसे कि यहाँ पे हम इसको ये फोल्डर में रख देते हैं, या तो फिर हमने इसको जो है कट करके बाहर रख दिया। तो बेसिकली प्रीमियर प्रो को वो लोकेशन जब वो रिफ्रेश करेगा सेव करने के लिए, तो उनको वो फाइल लोकेशन मिलेगी नहीं, तो फिर वो पूछेगा कि भाई ये इसको लोकेट करो। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का रेड जो है मैसेज आता आ जाता है, यहाँ पे भी रेड लाइन आ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बंद खोलेंगे और उसी उस तरह आपको अगर सभी फाइल्स को करना है, यहाँ पे हम करेंगे फोल्डर को सिलेक्ट करके लिंक मीडिया किया, और हम इसको पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर सर्च करेंगे, तो ये वाली जो है फाइल दिखेगी। मतलब सीक्वेंस जो उसका था उसमें पहली फाइल ये थी सर्च करने के लिए, मिसिंग फाइल। अगर हम ये एक को ही सिलेक्ट करके ओके करेंगे, वो फोल्डर के अंदर और कोई भी मिसिंग फाइल प्रीमियर प्रो को मिलती है, तो सभी को ऑटोमेटिकली लोकेट कर देता है। सेम वे में हम इसको भी करेंगे, जैसे कि इसको पर इसमें हमने क्या किया था कि इसके हमें पेरेंट फोल्डर में रख दिया था। जैसे कि हम अभी एक फाइल को पहले करते हैं, लोकेट करते हैं इसको, तो अभी वो फोल्डर में नहीं है, तो हमको पेरेंट में जाना पड़ेगा। तो उसको ये एग्जैक्ट मैच मिल गया है। ओके, बी और 13 जो है वो मैच करना बाकी है, तो हम फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और उसके पेरेंट में जाएंगे। और अभी एक फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे, सर्च करके उसको लोकेट करेंगे, लिंक करेंगे, तो सभी फाइलें ऑटोमेटिकली प्रीमियर प्रो अपने आप सर्च कर लेगा। अगर वही डायरेक्टरी में है तो उसकी सब्सिक्वेंट डायरेक्टरी में भी है तो भी उसको लोकेट कर लेगा। तो फिर से ये सभी मीडिया फाइल जो है वो लोकेट हो गई। तो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपना प्रोजेक्ट है यहाँ पे, यहाँ से दूसरे कंप्यूटर में भी शिफ्ट करेंगे, या तो ड्राइव में शिफ्ट करेंगे, या तो आपके जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव रहती है उस पर शिफ्ट करके कहीं और उसको आप एडिट करने के लिए लेके जाएंगे, तो ये आपको ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल ही प्रोसेस है। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो कर दीजिए इसको लाइक शेयर, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो ये वीडियो सीरीज़ के थ्रू जो है हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स जो स्टार्ट किए हैं हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के लिए और लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए। तो सबसे पहला हमारा इनिशिएटिव है ड्रॉप योर कन्फेशन इन मॉडरेशन। तो यहाँ पर आपको जैसे पता ही है कि आज के फास्ट लाइफ में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, और जिसको जिसको जो है हम डील नहीं कर पाते हैं, और हम हमारा जो माइंड है वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो टेंशन में ही हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये इनिशिएटिव के थ्रू एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, जहाँ पे आके आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ के वो यहाँ पे आके सब चीज़ें लिख दीजिए। आपको कोई कंप्लेन है, आपको कोई चीज़ें बोदर कर रही है, तो यहाँ पे आके लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ें, जैसे कि आपको मेडिकल इश्यू है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ कर चली गई है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, आपकी बीवी आपको परेशान कर रही है, बॉस परेशान कर रहा है, आपके नेबर्स आपको परेशान कर रहे हैं, या तो आपको आपको जो है कोर्ट के धक्के खा रहे हैं,
कोई भी आपका इश्यू है यहाँ पे आके आप लिख दीजिए, और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना, ये एक ऑनलाइन वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग की वेबसाइट है जहाँ पे आप आके रिकॉर्ड कर दीजिए जो भी आपको रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद जो है आप स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा और उसकी एक लिंक जनरेट हो जाएगी। तो ये वाली जो लिंक है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, जिससे कि हम जो है आपके आपका जो प्रोफेशन है, पोजीशन है, उसको रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आप कोई सजेशन बनाना चाहते हैं तो अपना ईमेल एड्रेस डाल दें, जिससे कि हम आपको कोई सजेशन या तो फीडबैक दे सकें। उसके अलावा यहाँ पे एक और इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, असो तो सही। तो बेसिकली ये हम स्पेशल टी शर्ट जो है वो डिज़ाइन किया है, और हमने वो अलग अलग वेबसाइट्स पे रखा है, जो भी इसको जो है ऑन डिमांड सेल कर सकता है। तो यहाँ पे आप ये टी शर्ट जब भी पहनेंगे यहाँ से खरीदने के बाद, तो वो टी शर्ट जो है मतलब वो दिन जो आपका है टी शर्ट पहनने के बाद, आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे। जैसे कि आप जा सकते हैं ओल्ड एज होम में, स्लम में जा सकते हैं, आप ऑर्फनेज में जा सकते हैं, आप जो है कोई ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे गरीब बच्चे रहते हो, उनको खाना दे सकते हैं, या आप उनको कपड़े दे सकते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं, फुटबॉल लेके जाए, क्रिकेट आप उनके साथ खेल सकते हैं, किसी भी तरह उनको हैप्पीनेस दें। तो ये स्पेशल टी शर्ट जो है उसका उससे जो है हम चाहते हैं कि आप हैप्पीनेस के एक एजेंट बने, हैप्पीनेस के फेलो बने। और ये एक्चुअल में अलग अलग वेबसाइट अलग अलग तरीके से डिलीवर करती है, जैसे कि ये आप एक टी शर्ट भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, पर इसका प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये दोनों जो वेबसाइट है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड डिलीवर करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं $24 या $14 में, पर यहाँ पे कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है कि जब 14 ऑर्डर्स डिलीवर होंगे तब ये लोग 14 लोगों को, या तो 14 से ज़्यादा लोग जो जितने भी लोगों ने ऑर्डर किया उनको टी शर्ट प्रिंट करके सेंड करते हैं। और ये माई ड्रीम स्टोर जो है उसमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं था, और काफ़ी टी शर्ट सस्ता भी था, और इसमें 5-6 कलर भी ये लोग देते हैं, और अलग अलग साइज़ के भी टी शर्ट देते हैं। पर ये लोगों ने जो है न्यू कॉमर जो सेलर्स जो है उनको उनसे ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज हो गया है। इस तरीके का जो इश्यू है यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट अपना क्राइटेरिया चेंज कर सकती है। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में अगर टी शर्ट परचेज नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, यहाँ पे अपना डिटेल जो है डाल दीजिए, नेम, लोकेशन, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे कि 20-25 लोग इस तरीके का जो ईमेल वो करेंगे, तो उनको जो है 20-25 लोगों को एक साथ बाद में एक लिंक जनरेट करके टी शर्ट क्रिएट करके लिंक जनरेट करके आप सेंड कर देंगे, जिससे कि आप परचेज कर सकें। तो यहाँ पे ये दूसरा इनिशिएटिव है। तीसरी चीज़ यहाँ पे हमने क्रिएट किया है एक वर्कशॉप, जो फ्री वर्कशॉप है, जिससे कि आप वीडियो कैसे बना सकते हैं, उससे मतलब अलग अलग चीज़ें लोगों को सिखा सकते हैं, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, या तो कुछ भी चीज़ें जो आप कुकिंग है, डांस है, योगा है, कुछ भी आप सिखा सकते हैं। तो वीडियो कैसे शूट करना, वीडियो कैसे एडिट करना, और आप किस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकते हैं वीडियो बना के, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को जो है अपलोड कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट जो है ऑनलाइन ट्यूटरिंग क्या है, ओरली बेसिस पे कैसे आप पढ़ा के इनकम जनरेट कर सकते हैं, लैंग्वेज सिखा के आप जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, और उसके अलावा फंड रेजिंग, क्राउड फंडिंग क्या है, आप अपने अगर आप कुछ इस तरीके का सोशल वर्क कर रहे हैं तो आप कैसे अपने इनिशिएटिव को पिच कर सकते हैं फंड रेजिंग की इवेंट्स के अंदर। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है ये वर्कशॉप के अंदर हमने कवर अप की है, तो आप ये वर्कशॉप को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और लास्ट चीज़ यही है कि अगर आपको ये सब इनिशिएटिव अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि हम अलग अलग चीज़ें जो है इस तरीके से बनाते रहें, और आप थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जब भी आपको अमेज़ोन इंडिया, फ्लिपकार्ट या तो अमेज़ोन यूएसए की वेबसाइट से कुछ भी परचेस करना हो, तो यहाँ पे आके जस्ट किसी भी लिंक को क्लिक करें, और जो भी आपको परचेस करना है करें, तो आपको जो है वो चीज़ें डिस्काउंट प्राइस जो है वहाँ पे वेबसाइट पे वही प्राइस में मिलेगा, पर आपको थोड़ा सा ये लोग वेबसाइट वाले कमीशन दे देंगे, जिससे कि हम नई नई चीज़ें जो है वो करने के लिए जो फंड चाहिए वो हम जनरेट कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।